हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, आठवें लेक्चर में, जिसका टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आज हम जिसकी बात करेंगे उसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल होती है, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल के चार हिस्से होते हैं, जबकि एंथर वॉल, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल कहते हैं, उसके चार हिस्से होते हैं, एपिडर्मिस, उसके बाद क्या था एंडोथीशियम, फिर क्या था मिडल लेयर्स, और एंड में जो लेयर थी वो टेपिटम थी। टेपिटम के बीच में क्या होता है, एक टिश्यू होता है, एक सेल्स टिश्यू क्या होता है, सेल्स का ग्रुप, तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यू। और कौन सा टिश्यू होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। इस स्पोरोजिनस टिश्यू का जो एक सेल होता है जिसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल आप देख रहे होंगे, ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है। ये एक सेल, पूरा टिश्यू में तो काफी सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, हजारों होते हैं, लाखों होते हैं, काफी सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, तो इन टिश्यू का एक एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ये डिवाइड करेगा। डिवाइड क्या करेगा? मियोसिस जाएगा। क्या जाएगा? मियोसिस। और आपको पता है मियोसिस, आपने 11th क्लास में भी पढ़ी, जब भी कोई सेल मियोसिस जाता है तो उससे क्या बनते हैं, एंड में चार सेल बनते हैं। तो मियोसिस जब जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉइड होता है, ये सेल डिप्लॉइड होता है, और इसमें क्या करते हैं, मियोसिस वन, दो सेल में दो सेल बनते हैं, और मियोसिस वन में जो दो सेल बनते हैं उनमें से हर एक सेल में, जैसे मियोसिस वन में दो सेल बने तो एक सेल में से आगे दो सेल बनेंगे और दूसरे सेल में से आगे दो सेल बनेंगे, तो टोटल चार सेल, मियोसिस टू खत्म होने तक चार सेल बन जाते हैं। तो वो माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस अंडरगो जाता है और उससे कितने बनते हैं, चार सेल्स। वो जो चार सेल बनते हैं आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, उनको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं, और बाद में यही माइक्रोस्पोर जो होते हैं मैच्योर होने के बाद पोलन ग्रेन कहलाते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बनने की कहानी है, इसको हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब आपको समझ आ गया होगा। जहां तक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, जब ये चार माइक्रोस्पोर बनते हैं, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार माइक्रोस्पोर बनते हैं, जहां चार पोलन ग्रेन, जो बाद में पोलन ग्रेन बनते हैं, तो ये सारे के सारे इकट्ठे ही एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि डिवीजन से बने होते हैं, तो डिवीजन के बाद ये चारों के चारों इकट्ठे जुड़े होते हैं, और इसको हम टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन टेट्राड। ये जो चार होते हैं इसको इकट्ठे हम कहते हैं टेट्राड। तो ये जो टेट्राड होता है, ये टेट्राड कई तरीके का हो सकता है। टेट्राड कई तरीके का क्यों होता है? क्योंकि जब ये पोलन ग्रेन बने तो ये कैसे बने, या ये माइक्रोस्पोर बने तो ये कैसे आपस में जुड़े रहे, इसके हिसाब से उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी जो सिमेट्री होगी, उसके हिसाब से ये टेट्राड कई तरीके का हो सकता है, कई अरेंजमेंट हो सकती है। जैसे इसमें एक टाइप होती है टेट्राहेड्रल। क्या टाइप होती है? टेट्राहेड्रल। इस टेट्राहेड्रल टाइप में जितने भी जो चार माइक्रोस्पोर बने हैं वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, जो ज्योमेट्रिकल फिगर होती है वैसी अरेंजमेंट के साथ लगे होते हैं। दूसरा जो इसमें देखा गया है, दूसरी टाइप की अरेंजमेंट जो माइक्रोस्पोर्स में देखी गई है, टेट्राड्स में देखी गई है, वो है आइसोबायलेटरल। आइसोबायलेटरल में जो चार आप पोलन ग्रेन देखते हैं, चार माइक्रोस्पोर देखते हैं, वो बिल्कुल आमने सामने, जैसे एक एक्सिस होती है, एक्सिस में दो इधर और दो इधर, बिल्कुल आमने सामने अरेंज होते हैं। और आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो आपकी है उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें एक डायग्राम बनाई हुई है, जहां पर टेट्राड की एक ही डायग्राम बनाई है जो कि आइसोबायलेटरल स्टेज को शो कर रही है। तीसरा जो अरेंजमेंट हम पोलन ग्रेन्स के टेट्राड में देखते हैं, जहां माइक्रोस्पोर्स के टेट्राड में देखते हैं, उसको कहते हैं डेकासेट। जो डेकासेट अरेंजमेंट है, डेकासेट में आप लोग देखेंगे कि इसमें जितने भी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक दूसरे को, दो पोलन ग्रेन दूसरे दो पोलन ग्रेन के राइट एंगल पे होते हैं। तो कहां पे होते हैं? राइट एंगल पे। तो ये चौथी अरेंजमेंट जो होती है वो होती है टी शेप्ड। टी शेप्ड टेट्राड भी पाया जाता है कुछ प्लांट्स में। जो टी शेप टेट्राड होता है, टी शेप टेट्राड का मतलब है कि वहां पर जो टेट्राड की अरेंजमेंट है वो टी शेप होती है, दो पोलन ग्रेन जो होते हैं, या दो माइक्रोस्पोर ऊपर की तरफ बनते हैं और दो माइक्रोस्पोर नीचे की तरफ, तो ये होता है टी शेप टेट्राड। और जो पांचवी टाइप होती है, पांचवी टाइप को कहते हैं लीनियर। लीनियर में क्या होता है? चार पोलन ग्रेन बिल्कुल लाइन में अरेंज होते हैं। तो इस तरीके की अरेंजमेंट जो होती है हम लोग टेट्राड के रूप में माइक्रोस्पोर्स की, हम लोग जो होता है पोलन सैक होता है, जब माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, वहां पर हमें मिलती है ड्यू टू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो मैं अभी आपके सामने एक यहां पर डायग्राम भी बताऊंगा, जिस डायग्राम में ये सारे के सारे अरेंजमेंट्स की ड्राइंग भी बनाई गई होगी। मैं आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके बाद ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, जब ये खत्म हो जाती है, माइक्रोस्पोर बन जाता है, फिर माइक्रोस्पोर से क्या बनता है, मैच्योर होके पोलन ग्रेन बनते हैं। एक पोलन सैक में माइक्रोस्पोर मदर सेल से, स्पोरोजिनस टिश्यू के जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उससे काफी
सारे माइक्रोस्पोर बनते हैं, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर, ऑल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, वो सारे के सारे जो होते हैं पोलन ग्रेन को बनाते हैं और उतने ही हमें पोलन ग्रेन मिलते हैं। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने मिले? चार। और अगर वहां पर लाख माइक्रोस्पोर मदर सेल हुए तो उसको चार गुना आप ज्यादा कर लो, चार इंटू लाख, चार लाख हमें जो पोलन ग्रेन है मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके से माइक्रोस्पोर बनते हैं। अब माइक्रोस्पोर बनता है पोलन ग्रेन में, और पोलन ग्रेन को हम कहते हैं मेल गमिटोफाइट ऑफ द प्लांट। माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में कैसे बदलता है, ये मेल गमिटोफाइट कैसे बनाता है, इसका जिक्र मैं आपके साथ अगले लेक्चर में करूंगा। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई होगी तो इस लेक्चर को रिवाइंड करके देखें, कोई क्वेरी है तो फिर से पूछें। थैंक यू वेरी मच।